आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के टॉप 5 अमीर MLAs के बारे में। पांचवें नंबर पर आते हैं अशोक कुमार चौधरी। मुजफ्फरपुर के सकरा से विधायक हैं अशोक कुमार चौधरी। वह लगातार दूसरी बार यहां के विधायक बने हैं। सकरा का इतिहास यही बताता है कि यहां से दोबारा जीत कर आना बेहद मुश्किल है। यहां के वोटर किसी भी उम्मीदवार को लंबी अवधि तक कुर्सी पर नहीं बैठने देते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में JDU के अशोक कुमार चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम को नजदीकी अंतर से हराकर विजय श्री पाई। बता दें कि अशोक कुमार चौधरी से पहले बस दो विधायक ऐसे थे जिन्हें यह सफलता मिली थी। JDU विधायक अशोक कुमार चौधरी अमीर विधायकों की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इनके पास कुल संपत्ति लगभग 22 करोड़ की है। इनकी चल संपत्ति तो महज 2 करोड़ के आसपास की है, जबकि अचल संपत्ति 20 करोड़ से अधिक की है। चौथे नंबर पर आते हैं समीर कुमार महासेठ। समीर महासेठ मधुबनी से विधायक है, RJD से जीते हैं। 2015 में भी ये मधुबनी से विधायक चुने गए थे। समीर महासेठ वैश्य समाज से आते हैं, वे बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। समीर महासेठ आम्रपाली बैंकेट प्राइवेट लिमिटेड पटना के निदेशक भी हैं। साल 1977 में इन्होंने सक्रिय राजनीति में एंट्री की। 2003 से 2009 तक ये बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। खेलकूद में विशेष रुचि रखते हैं। इनके दिवंगत पिता राजकुमार महासेठ का भी राजनीति में खूब नाम रहा है। उनकी समृद्ध विरासत रही है। राजकुमार महासेठ 3 बार विधायक रहे थे। एक बार तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत मिली थी। जब चारा घोटाला मामले में लालू यादव परेशान हुए तो पशुपालन विभाग को ठीक करने की जिम्मेदारी राजकुमार महासेठ को ही दी गई थी। राजकुमार महासेठ के बेटे RJD के समीर महासेठ इस सूची में चौथे नंबर पर आते हैं। उनके पास 24 करोड़ की कुल संपत्ति है। इसमें चल संपत्ति लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक तो अचल संपत्ति 20 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। करोड़पति विधायक की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है विभा देवी का। अमीर विधायकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है नवादा से RJD की विधायक विभा देवी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार श्रवण कुमार को 18,289 वोटों से हराया। विभा देवी बिहार की सबसे धनी महिला विधायक है। इनके पास 29 करोड़ की संपत्ति है। इसमें चल संपत्ति 20 करोड़ रुपए से अधिक की है तो अचल संपत्ति लगभग 9 करोड़ रुपए की है। विभा देवी की कमाई का जरिया कृषि व्यवसाय है। वे जेवर की शौकीन है। RJD विधायक विभा देवी भले ही करोड़ों रुपए की मालकिन है, लेकिन इनके नाम पर एक वाहन भी नहीं है। कोरोना काल में लोगों की मदद कर विभा देवी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इन्होंने नवादा में व्यापक पैमाने पर सफाई अभियान भी चलाया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है अजीत शर्मा का। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अजीत शर्मा भागलपुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए। वर्तमान में ये कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता हैं। 2015 के विधानसभा में चुनाव लड़ने के दौरान चुनावी हलफनामे में इन्होंने अपनी संपत्ति 40 करोड़ बताई थी। अब इनके पास चल और अचल संपत्ति मिलाकर 43 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इसमें से इनके पास 4 करोड़ 90 लाख रुपए की चल संपत्ति और लगभग 38 करोड़ 37 लाख 50 हजार की अचल संपत्ति है। ये पेशे से बिजनेसमैन है। भागलपुर में वैभव नामक लग्जरी होटल चलाते हैं। ये 2009 के लोकसभा चुनाव में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन सफलता 2015 के विधानसभा चुनाव में मिली। तब इन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत को हराया। 2020 में भी ये जीत गए। अब बात करते हैं पहले नंबर की कि बिहार में करोड़पति विधायकों की लिस्ट में सबसे ज्यादा करोड़पति कौन से विधायक हैं? तो पहले नंबर पर नाम आता है अनंत सिंह का। अमीर MLA की लिस्ट में पहले नंबर पर है मोकामा के RJD विधायक अनंत सिंह। उनकी कुल संपत्ति 68,56,00,000 रुपए से ज्यादा है। चुनावी हलफनामे को देखने से पता चलता है कि बाहुबली अनंत सिंह का धनबल भी बढ़ता गया है। अनंत सिंह अब धनबली भी है। 2015 के विधानसभा चुनाव में चुनावी हलफनामे के अनुसार अनंत सिंह के पास लगभग 28 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में यह संपत्ति लगभग 2.5 गुना बढ़ गई।
अनंत सिंह के पास पटना के पौश इलाके में भी करोड़ों की जमीन है। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में भी इनकी जमीन है। राजधानी के पौश एरिया बंदर बगीचा में भी इनके प्लॉट है। साथ ही बिरला मंदिर रोड पर भी उनकी संपत्ति है। इसके अलावा बोरिंग कनाल रोड में भी इनकी जमीन है। अनंत सिंह की रईसी और अमीरी के चर्चे दूर दूर तक होते हैं। ये सोने चांदी के गहनों के भी काफी शौकीन है और करोड़पति एमएलएज की लिस्ट में ये सबसे पहले नंबर पर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।